स्पीकर का काम है आपको मिड्स और वोकल्स प्रोवाइड करना प्लस ट्रेबल प्रोवाइड करना। ऐसे है क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्टॉक स्पीकर्स रखने हैं, स्टॉक हेड यूनिट रखना है एंड ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं, प्लस आपको यहाँ पर जो वायरिंग के। अब वापस आ जाते हैं सब वूफर्स के ऊपर। तो कैसे हैं आप, आज की वीडियो देखने में आपका स्वागत है। जल्दी आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, दिस इज स्पीडी सिंह एंड वी आर अगेन एट स्टीयर एक्स ऑटोमो। तो मैंने ना कार के अंदर ऑडियो अपग्रेड थोड़ा सा कर लिया था, बट मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, एंड वही चीज़ की आज हम ये वाली वीडियो कर रहे हैं कि हमने क्या ऑडियो अपग्रेड करा था। आई गेस लगभग 5 या 6 महीने पहले मैंने ये कर लिया था, जिसको मैंने यूज़ करा है एंड कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस है जो मैंने करी हैं इस वाले ऑडियो सेटअप के अंदर, एंड वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो ऑडियो अपग्रेड है वो हमने करा है अपनी न्यू i20 के अंदर, एंड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने क्या करा था उस कार के अंदर। तो ये जो आज वीडियो रहेगी ना, ये उन लोगों के लिए रहेगी जिनका होता है कि हमें सब वूफर जो है वो हमें डिग्गी या बूट में नहीं डालना, क्योंकि हमें स्पेस का थोड़ा सा लॉस होता है। हम जो सब वूफर यूज़ करेंगे वो करेंगे हम अंडर सीट सब वूफर। कैसे है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं फिर इस वाली वीडियो को शुरू, एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, प्लस एक छोटा सा वॉक अराउंड भी रहेगा हमारे ऑडियो सेक्शन का इस वाली वीडियो के अंदर। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस वीडियो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगने वाली है, एंड यस प्लीज लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स डिग इन। तो सबसे पहले जब हम ऑडियो अपग्रेड करते हैं ना, तो मेरी एक प्रैक्टिस हमेशा से ये रहती है कि मैं पहले जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है उसका टेस्ट पूछूं, एंड देन उनका बजट पूछूं, किस बजट तक हम ये वाला ऑडियो करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, एंड अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं एंड आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देता हूं, तो मुझे हर एक चीज़ आपके हिसाब से भी सोचनी है एंड अपने हिसाब से भी सोचनी है। तो इस जो वीडियो का मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हमें स्टॉक स्पीकर्स रखने हैं, स्टॉक हेड यूनिट रखना है एंड बूट के अंदर हमें ज़्यादा स्पेस लॉस भी नहीं करना, तो उस कंडीशन में हम कौन सा सबवूफर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें एंड उसका आउटपुट कैसा निकल के आने वाला है, इन वाली चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। नाउ टॉकिंग अबाउट माय टेस्ट, तो देखो मैं लाउडनेस की तरफ बहुत टाइम से रहता आ रहा हूं। मैंने स्विफ्ट के अंदर, अपनी फीगो के अंदर, i20 के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के स्पीकर यूज़ करे हैं, बट उसमें से कोई भी स्पीकर ऐसा नहीं था जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर पाए कि ये सूदिंग साउंड देगा, कुछ क्वालिटी साउंड, ठीक है। तो ये तो था अभी तक जो हम यूज करते आ रहे थे, बट इस टाइम या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये सोचा कि हम कुछ अलग कंटेंट आपको दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, जिसके अंदर एक बेसिक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। नाउ व्हाट इज दैट बेसिक रिक्वायरमेंट, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी कार्स आती है, माइट इट बी मारुति सुजुकी, ह्युंडई, होंडा या कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी, आप टोयोटा ले लो, आप फोक्सवैगन ले लो, स्कोडा ले लो, इनके स्पीकर्स तो हमें नॉमिनल से मिल जाते हैं एंड हमें एक नॉमिनल बेस भी मिल जाती है इनके स्पीकर्स के अंदर से। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्पीकर्स थोड़ी ज्यादा बेस दें, तो वो किसी ना किसी वॉल्यूम पर जाके डिस्टॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे तो वो थोड़े दिन चलते हैं, बट सम पॉइंट पर आगे वो डिस्टॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो जाती है स्पीकर की, हम स्पीकर के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा डाल रहे हैं। नाउ व्हाट आई वाज फीलिंग इन i20 वाज दैट, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैंने पहले थोड़े दिन गाड़ी चलाई, बेस ठीक था, स्पीकर्स में से बेस ठीक आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस नहीं आता, एक डिसेंट आवाज आ जाती है गाड़ी में अंदर से। बट जैसे अब मेरे को लगा कि मैं थोड़ी बेस इंक्रीज करूं, तो आई वेंट फॉर +5, ठीक है, +10 तक इसकी बेस होती है, -10 तक इसकी मतलब अपर लेवल एंड लोअर लेवल होता है। तो जीरो पर हमें सेटिंग्स मिलती हैं, जो फैक्ट्री फिटिंग आती है वो जीरो पर आती है। उसके बाद मैंने इसके ट्रेबल जो है वो अप्रोक्सीमेटली +7 +8 रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा सुनना अच्छा लगता है। मिड जो है वो बिल्कुल जीरो पर रखता हूँ, एंड जो बेस है वो थोड़ी सी मेरे को हैवी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इसको +5 +6 पे चलाना शुरू करा। बट आफ्टर सम टाइम आई नोटिस्ड के यार इसका जो स्पीकर है, फ्रंट लेफ्ट एंड राइट दोनों डिस्टॉर्ट होने शुरू हो गए। Now, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एंड ये जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ अराइज होती है। तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कभी आपके साथ हुआ है या नहीं, ठीक है, आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला। अब वापस आ जाते हैं सब वूफर्स के ऊपर। देखो जो भी स्पीकर है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसमें से बहुत ज्यादा बेस हम निकाल लें या उसमें से ट्रेबल बहुत ज्यादा कर लें या मिड्स बहुत ज्यादा कर लें, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। हमें कुछ ना कुछ एक
अल्टरनेट चाहिए ही होता है। स्पीकर का काम है आपको मिड्स और वोकल्स प्रोवाइड करना प्लस ट्रेबल प्रोवाइड करना। अगर आप कहो कि नहीं जी इसमें से हमें बेस भी दे दो सबवूफर जैसी, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या क्या आता है, देखो वी हैव एक्टिव सबवूफर्स, वी हैव पैसिव सबवूफर्स, ये तो दो क्लास होगी बड़े बड़े सबवूफर्स की, बड़े इन द सेंस ये दो प्राइमरी क्लासेस है सबवूफर की, एक्टिव एंड पैसिव। एट द सेम टाइम अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास अंडरसीट सबवूफर्स आते हैं, स्लिम एनक्लोजर सबवूफर आते हैं, उसके बाद कुछ बड़े सबवूफर्स आते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो LBM वाइब जैसे जो सबवूफर्स होते हैं वो आते हैं, एंड स्टेपनी या स्पेयर व्हील सबवूफर भी आता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सबवूफर्स आते हैं। एंड अब हमें चूज करना था व्हाट इज द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा बूट में स्पेस लॉस ना हो, प्लस हमें आवाज भी अच्छी मिल जाए, एंड बेस की जो क्वालिटी है वो डिसेंट रहे। हमें बहुत ज्यादा भाभा नहीं करनी, बाहर किसी को नहीं सुनाना, कुछ नहीं करना, हमें बस उतनी सी बेस एक्सट्रैक्ट करनी है जितने हमारे स्पीकर्स नहीं दे पा रहे या उससे थोड़ा सा ऊपर। तो व्हाट आई डिसाइडेड एंड मैंने जो अपना माइंड मेकअप करा वो था कि हम इस गाड़ी के अंदर अंडर सीट सबवूफर डालेंगे। अब अंडर सीट सबवूफर जो है वो बेसिकली आपको 9,000-10,000 से मार्केट में मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड इट गोज अप टू 35,000-40,000-45,000 डिपेंडिंग ऑन के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सा ब्रांड चूज कर रहे हो। करंटली जो ब्रांड्स के अंदर हम डील करते हैं, वन इज वेक्स्ट्रॉन, वन इज मीटो क्यू, ब्लॉक पंक, डीडी, डीबी ड्राइव, रेनबो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाते हैं। अब टॉकिंग अबाउट के मैंने कौन सा चूज करा, देखो वेक्स्ट्रॉन मैंने पर्सनली यूज करा हुआ है, एक कार के अंदर हमने इंस्टॉल भी करा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम मैंने अपना मीटो क्यू भी यूज करा। तो ये वाला प्रोडक्ट जब यूज करा के साथ तो मुझे बहुत माइनर सा डिफरेंस फील हुआ कि हाँ हल्का सा डिफरेंस है। अब वो हल्का सा डिफरेंस क्या था, इसके अंदर बूमिनेस ज्यादा थी और उसके अंदर बूमिनेस थोड़ी सी कम थी। नाउ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम इनके प्राइसेस कंपेयर करें तो दिस इज मच चीपर देन दिस, ठीक है। अगेन अब बात आ जाती है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा था। देखो कईयों को पसंद आ सकता है ये, जिनको हल्की सी लो बेस अच्छी चाहिए उनको ये पसंद आएगा, जिनको थोड़ी सी बूमिनेस ज्यादा चाहिए, हाई बेस वाला जो टोन होता है वो चाहिए, उनको ये पसंद आए। ब्लॉक पंक जो है वो इन दोनों की रेंजेस से काफी ऊपर चले जाता है। तो हमें चाहिए था कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज करें जिसके अंदर हम एक अच्छी आवाज गाड़ी में बना। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि हम मीटो क्यू यूज करेंगे। अब मीटो क्यू एक नया ब्रांड है मार्केट के अंदर, प्लस हम ट्राई भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा यूज होता है, कैसा चलता है। एंड ये वाली जो वीडियो है मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं ये वाली वीडियो 5 से 6 महीने बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 से 6 महीने इसको रेगुलरली यूज करा है एंड टिल नाउ मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है एज सच सबवूफर के अंदर से। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है 10 इंच सबवूफर है, 600 वॉट पीक पावर कंपनी क्लेम करती है, बट आई एक्सपेक्ट के ये कहीं ना कहीं 150 से 200 के बीच बीच में होगा, उससे ऊपर नहीं है, मैं ये एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हमने लगाई है, इसका जो साइज है वो उतना बड़ा है, ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं, प्लस आपको यहाँ पर जो वायरिंग के जितनी भी फिटिंग्स है वो यहाँ मिल जाती है, ये आपको इनपुट गेन, बेस बूस्ट, लो पास, सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। इवन इसके बाद इसके अंदर हमारे पास हाई लेवल इनपुट भी है, हम डायरेक्ट स्पीकर से भी इसको प्ले कर सकते हैं, बट हमने जो है अपनी गाड़ी के अंदर वो कन्वर्टर्स लगाकर ही प्ले करा है इसको। और बेस्ट पार्ट ये है हमें इसके साथ बेस नॉब भी मिल जाती है। तो अगर आपको कई बार होता है जैसे कि बीच में स्विच ऑफ करना है तो आप बीच में स्विच ऑफ भी कर सकते हो। तो ये तो है प्रोडक्ट जो हमने यूज करा है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ गाड़ी के अंदर। अब आ जाती है बात कि हमने i20 में इंस्टॉल कहाँ करा है। तो एज यू नो इट्स एन अंडर सीट सबवूफर, अंडर सीट सबवूफर या तो आपकी ड्राइवर साइड के नीचे इंस्टॉल होगा या आपकी को ड्राइवर साइड के नीचे इंस्टॉल होगा। अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, अगर गाड़ी आपकी मैनुअल है, इन द सेंस कि अगर आपकी सीट मैनुअल है तो नीचे हमें कोई इशू नहीं आती 8 इंच 10 इंच डालने में। इनकेस अगर आपकी जो सीट है वो इलेक्ट्रिकल है तो हमें उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ती है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, कई कार्स में फिर को ड्राइवर सीट के नीचे लगता है, कई कार्स में फिर ड्राइवर सीट के नीचे लगता है, बट हम ट्राई करते हैं कि हम को ड्राइवर सीट के नीचे ही लगाएं। तो हमने एक सबवूफर लगाया, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना यूज करा, तो मुझे लगा यार बढ़िया आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स इंस्टॉल अनदर सबवूफर, वो भी हमने अंडर सीट डाला उस वाली तरफ। तो बेसिकली जो अब इस गाड़ी का सेटअप है, हम इस कार के अंदर यूज कर रहे हैं 2 अंडर सीट सबवूफर्स, दोनों मीटो क्यू के ही सबवूफर्स हैं, एंड दोनों के साउंड आउटपुट में भी मैं आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। क्या करेंगे, दोनों की बेस नॉब्स तो हमारे पास सही है, तो पहले हम गाना प्ले करेंगे, पहले हम प्ले करेंगे स्टॉक के स्पीकर्स कैसे प्ले होते हैं,
फिर एक सबवूफर यूज करेंगे, फिर मैं दूसरा सबवूफर ऑन करूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको स्टॉक स्पीकर्स के साथ ही थोड़ी सी बेस और बढ़ानी है तो आपकी कार के अंदर कैसा साउंड बढ़ सकता है या बन सकता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं हमारे जैसे, पापा की गाड़ी है तो पापा कहते हैं कि डिग्गी में कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सामान रखना होता है, मुझे चाहिए जो नज़र भी ना आए, नीचे भी बजाए और बढ़िया बजे, प्लस सबवूफर जो है बेस के लिए होता है तो हमें बेस भी दे दे। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर करी है एंड यस, इससे बहुत सारे लोग लाइक कनेक्ट भी कर पाएंगे कि यूजुअली ये फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम रहती है, जिनके पास सिंगल कार है वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि बूट के अंदर सबवूफर ना डालें, क्योंकि कभी भी कहीं पर घूमने जाना होता है तो ऑब्वियसली बूट का यूज़ होता ही होता है। तो इसके नीचे हमने सबवूफर यूज़ करा हुआ है, अंडर सीट सबवूफर, एक यहाँ पर है एक उधर है। अब मैं कहूँगा अंदर आ जाओ, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम NCS प्ले करने वाले हैं, बहुत सारे कूल तो यही वाला गाना सुनेंगे। पहले सब वूफर्स ऑफ कर देते हैं, दोनों नॉब दोनों की यहाँ लगी हुई है, एक एरी एक एरी। तो अभी चल रहे थे बिल्कुल फ्लैट स्पीकर्स चल रहे थे एंड अभी हम स्टीरियो के साथ भी कुछ कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो भी दूसरा नजर आएगा। तो अभी तक तो आपने सुना फ्लैट सिर्फ स्पीकर्स कैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ विद सबवूफर। सिंगल सबवूफर हम ऑन करेंगे, अब जो मेन इफेक्ट या मेजर इफेक्ट नजर आएगा ना वो आपको शीशे के अंदर नजर आएगा। एंड आई नो जब हम वीडियोस बनाते हैं ऑडियो आउटपुट की तो इतना क्लियरली हमें डिफरेंस फील नहीं हो पाता था, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप सुन रहे हो ना तो प्लीज़ प्लग ऑन योर ईयरफोन्स सो दैट यू कैन क्लियरली फील द डिफरेंस कि कितना डिफरेंस आ रहा है, एंड ईयरफोन्स में आपको डेफिनेटली पता लगेगा ये। अबे शक्ल क्या देख रहे हो, ईयरफोन्स लगा लो। अभी हमने को ड्राइवर वाला सबवूफर ऑन करा हुआ है, अभी जो आपने सुना उसमें दोनों सबवूफर्स वर्क कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको डिफरेंस फील हो रहा है या नहीं।
ओके सो आपने इस गाड़ी का आउटपुट सुन लिया है, मतलब हमने जो पूरा गाना प्ले करा था उसमें कभी हमने सब वूफर्स ऑफ करे हैं, कभी एक चलाया, कभी दो चलाया, कभी फ्लैट स्पीकर्स रन कर रहे हैं, तो आपने अगर ईयरफोन्स लगा के सुना होगा ना आपको क्लियरली डिफरेंस जो है वो स्पॉट हुआ होगा कि हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब जो बेस है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस थोड़ा कम आ रहा है, तो क्लियरली सुनोगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। एंड यस, मैंने ये वाली वीडियो क्यों करी है क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ बेसिकली जो सब वूफर्स पीछे नहीं लगाना चाहते एंड एक अच्छी बेस चाहिए उनको, तो वो सिर्फ अंडर सीट डाले एंड देयर गुड टू गो विद देयर ऑडियो सेटअप्स। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें हर गाड़ी के अंदर पैसिव सब वूफर्स डाल के, एम्पलीफायर्स डाल के या एक अच्छा कंपोनेंट का सेट डाल के साथ में फिर उसके लिए एम्पलीफायर डाल के ही ऑडियो करना है। वी कैन डू ऑडियो इन मेनी वेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे आउट, कि अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ना आपको स्टॉक हेड यूनिट अपना चेंज करना है एंड आपको बेस चाहिए, सिंपली इंस्टॉल अ सब वूफर, दैट इज़ एन अंडर सीट सब वूफर, आप इंस्टॉल करो, एक कन्वर्टर लगेगा एंड एक आपकी वायरिंग किट लगेगी एंड यू आर रेडी टू गो। तो यही थी आज की वीडियो एंड आई होप आपने जो डिफरेंसेस हैं वो स्पॉट करे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी डिफरेंस स्पॉट हुआ है तो नीचे टाइम फ्रेम ज़रूर लिखना कि आपको इस टाइम फ्रेम पर जो ऑडियो है उसके अंदर बेस थोड़ा ज़्यादा लगा एंड इस टाइम फ्रेम पर बेस थोड़ा कम लगा, तो ये प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विद दिस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हम अब इसके ऊपर वीडियोज़ करने वाले हैं। जैसे कि आपने देख लिया हमारा स्टीरियो खुला ही हुआ था, अब नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के एक दिन बाद ही दूसरी वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी एंड फिर एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन एक और वीडियो आएगी इसी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वी आर करेंटली वर्किंग ऑन दिस कार, इसके ऑडियो सेटअप के ऊपर हम काम करने वाले हैं। एंड अगर आपको कोई भी काम करवाना है रिलेटेड टू ऑडियो अपग्रेड या कोई भी कार से रिलेटेड काम, जिसके अंदर हम बॉडी शॉप, इंश्योरेंस क्लेम्स हो गए, ऑडियो हो गया, लाइटिंग अपग्रेड हो गया, रैपिंग, PPF, डिटेलिंग, सेरामिक, वॉशिंग, एनीथिंग, यू कैन विजिट अस एट स्टीयरएक्स ऑटोमो लोकेटेड इन मोहाली। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने आपको अंदर दिखाए हैं अभी, दे आर ऑल अवेलेबल पैन इंडिया शिपिंग, यू कैन सिंपली कॉल अस, जो हमने नंबर्स हैं वो आपको पूरी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, आप कॉल करो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द शिपिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, आप ईजिली उसको ऑर्डर कर सकते हो। So with this, meet you soon in the next video. Till then, this is PD Singh with CRX Automo signing off.